हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केतन एडुकेशन लाइब्रेरी। तो आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम की फुल फॉर्म जानते हैं। तो एलसीएम की फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और हम इसको कह सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारा क्वेश्चन है 16, 18 एंड 20 का एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन वाले नंबर्स देखने होते हैं 1 to 10 के बीच में। तो 1 to 10 के बीच में कौन से नंबर्स आते हैं? 2, 3, 5 एंड 7। तो हमें इन नंबर से ही एलसीएम निकालना होता है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं जो कि है 2। तो हमें इधर सबसे पहले ऐसा बना लेना है, फिर इधर लिखना है 2। फिर हमें देखना है इधर, ये है 16। तो क्या 2 के टेबल में 16 आता है? आता है। किस पे आता है? 8 पे। तो हमें लिखना है इधर 8, 2 8 16। अब हमें नेक्स्ट देखना है क्या है, ये है 18। तो क्या 2 के टेबल में 18 आता है? आता है। किस पे? 9 पे। फिर हमें देखना है इसको, ये है 20। तो क्या 2 के टेबल में 20 आता है? आता है। किस पे आता है? 10 पे। फिर हमें फिर से देखना है, फिर हमें 2 लिखना है, फिर हमें देखना है ये क्या है, ये 8 है। तो क्या 2 के टेबल में 8 आता है? आता है। किस पे? 4 पे। फिर हमें देखना है ये क्या है, ये है 9। तो 2 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 9 को फिर से इधर ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यह है 10। तो क्या 2 के टेबल में 10 आता है? आता है। किस पे आता है? 5 पे। 2 5 10। अब हमें आगे बढ़ना है, हम फिर से 2 लेंगे क्योंकि इधर 4 है। तो 2 के टेबल में 4 आता है? आता है। 2 2 4। फिर ये इधर 9 है, तो 9 तो आता नहीं है 2 के टेबल में। तो हम फिर से वही करेंगे, लिख देंगे इसको फिर से वापस से इधर। फिर हमें देखना है कि 5 ये आता है 2 के टेबल में? नहीं आता है। तो हम इसको इधर लिख देंगे ऐसी। फिर हमें आगे देखना है, हमें फिर से 2 लेना है क्योंकि इधर 2 है। तो क्या 2 के टेबल में 2 आता है? आता है। किस पे आता है? 1 पे। फिर हमें देखना है 9 आता है 2 के टेबल में? नहीं आता है। तो हमें फिर से वही वैस करना, और 5 भी नहीं आता तो हमें फिर से इधर लिख देना 5। अब हमें देखना है, तो हम आगे 3 का टेबल लेंगे क्योंकि इधर 9 है। तो हमें 1 को ऐसे लिख देना है, और आगे देखना है कि 9 आता है 3 के टेबल में? आता है। किस पे आता है? 3 3 9। तो इधर 3 आ जाएगा। फिर ये 5 नहीं आता 3 के टेबल में, तो हम इधर फिर से वही करेंगे, 5 ऐसे के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, हम फिर से 3 लेंगे, हम फिर से 1 को इधर ही लिख देंगे क्योंकि 1 आता नहीं है। और फिर हम आगे चलेंगे, तो 3 के टेबल में क्या 3 आता है? आता है। किस पे आता है? 1 पे। 3 1 3। फिर हमें देखना है आगे, ये 5 है, तो 3 के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, इसलिए फिर से हम वही करेंगे, इधर लिख देंगे 5 को। अब हमें आगे चलना है क्योंकि इधर सिर्फ 5 ही है और बाकी तो 1 है, तो हम इधर 5 लेंगे। तो 5 इधर 1 का 1 ही लिख देंगे, और इधर भी 1 है। तो फिर 5 के टेबल में क्या 5 आता है? आता है। किस पे आता है? 5 1 5। हमें ये तब तक करना है जब तक नीचे 1 ना आए, ठीक है। तो हम इसके एलसीएम निकालते हैं। तो देखो, एलसीएम निकालने के लिए हमें इन सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है।
होता है। तो हम पहले लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स। तो सबसे पहले हमें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 3 ज़ा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 48 3 का। एट थ्री ज़ा 24, तो 4 इधर आएगा, 2 कैरी। 4 थ्री ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 144। अब हम 144 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं 144 को 5 से मल्टीप्लाई। तो हम करते हैं 144 को 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 2 7, तो हमारा आंसर आएगा 720। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।